सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग जो काफ़ी सारी मजे मस्ती कर होंगे। सो गाइस, आज मैं वही पुरानी शक्ल लेके एक और नए स्टाइल में आ चुका हूँ आपके लिए, नए वीडियो लेके। वैसा कुछ नहीं जैसा तुम लोग समझ रहे हो, बस बाल कटवाने गया था। मेरे नाई को मेरे बाल इतने ज़्यादा पसंद आ गए कि उसने पूरे ही बाल उड़ा दिए हैं, इसलिए टोपी पहन के रखी हुई है। एंड दोस्तों, आज मैं लेके आ चुका हूँ आप लोगों के लिए टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 40,000 रुपीज़ के बजट में। जी हाँ, क्यों? क्योंकि 40,000 रुपीज़ किसके पास नहीं होते हैं। होता सभी के पास है, सब छुपा के रखते हैं, देता कोई नहीं। तो जी हाँ, यही जिसमें मैं आप काफी सारे तगड़े कैमरा वाले फोन और काफी ज्यादा अच्छे गेमिंग फोन्स और काफी ज्यादा अच्छे सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस वाले फोन्स बताने वाला हूँ। तो मैंने किसी तरीके से शुरू कर दें वीडियो को। मेरा नाम है शाश्वत और आप देख रहे हैं दी टेक्स पाए। सो गाइस, अब यहाँ पे अगर हम लोग क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो सबसे पहले क्राइटेरिया काफ़ी ज़्यादा सिंपल सा है। यहाँ पे हम लोग के पास स्नैपड्रैगन का 8th जेन प्रोसेसर होना चाहिए या फिर यहाँ पे हम लोगों को मीडियाटेक का डायमेंसिटी 8200 का प्रोसेसर मिनिमम टू मिनिमम देखने को मिलना चाहिए, या फिर कोई उसके इक्विवेलेंट प्रोसेसर हो वो भी चलेगा। वहीं पर यहाँ पर हम लोग को 8GB रैम एंड 128GB की मिनिमम स्टोरेज देखने को मिलनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग को 120Hz की एमोलेड डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा मैंडेटरी है, एमोलेड के बिना नहीं काम चलने वाला है। वहीं पर यहाँ पर हम लोगों को 4500mAh की मिनिमम बैटरी तो देखने को मिलनी चाहिए, फास्ट चार्जिंग भी होनी चाहिए। तो ये तो ओवरऑल सिंपल हम लोग का क्राइटेरिया हो चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने लिस्ट की तरफ। सो गाइस, अब यहाँ पे हम लोग के पास जो 5th नंबर का स्मार्टफोन आता है वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन एंड काफ़ी ज़्यादा तगड़े स्पेस ला के देता है। हालांकि थोड़ा सा पुराना है लेकिन आज भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार स्मार्टफोन है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सैमसंग की तरफ से आने वाले सैमसंग गैलेक्सी S21 FE के बारे में। यहाँ पे 6.4 इंचेस की FHD प्लस 120Hz वाली एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग को Exynos 2100 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है एंड किस क्राइटेरिया में फिट भी आ जाता है। वहीं पर यहाँ पे हम लोगों को 4500mAh की बैटरी विद 25W की चार्जिंग देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग को UI देखने को मिल जाता है, हम लोग 4 साल के मेजर एंड 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलते हैं। इसी एक रीजन की वजह से मैंने इसको लिस्ट में डाला क्योंकि काफी ज्यादा लंबे टाइम तक आप यूज कर सकते हैं। एंड वहीं पे इसमें हम लोग को 12 मेगापिक्सल का OIS प्लस 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड प्लस 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाता है जो कि काफी ज्यादा तगड़ी फोटोज क्लिक करता है। एंड आप जानते हैं सैमसंग के फोन कितने अच्छे होते हैं कैमरा में। तो ओवरऑल देखा जाए ये पैकेज काफी ज्यादा तगड़ा है एंड काफी अच्छा है। एंड इसकी अगर मैं प्राइस की बात करूं तो यहां पे इसका 8GB 128GB वेरिएंट जो हम लोगों को देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है 34,999 के अंदर। ये काफ़ी अच्छी डील है, लिंक डिस्क्रिप्शन देख रखा हुआ, आप चाहें तो इसे ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस, अब यहाँ पे हम लोग के पास जो 4th नंबर का स्मार्टफोन आता है वो उन लोगों के लिए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है जिनको एक ऐसा कैमरा स्मार्टफोन चाहिए जहाँ पे उनकी शक्ल रानू मॉडल जैसी क्यों ना हो लेकिन वो कटरीना कैफ जैसे लगे। ज़्यादा हो गया थोड़ा। तो जी हाँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ वीवो की तरफ से आने वाले वीवो V27 Pro 5G के बारे में। हम लोग को 6.67 इंचेस की FHD प्लस 120Hz वाली AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जहाँ पे हम लोग को MediaTek Dimensity 8200 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग को 4600mAh की बैटरी विद 66W की फास्ट चार्जिंग एंड यहाँ पे हम लोग को फंटच OS देखने को मिल जाता है जहाँ पे आपको 2 साल के मेजर अपडेट्स एंड 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलते हैं। वहीं पे यहाँ पे हम लोगों को इसमें 50MP का OIS कैमरा प्लस यहाँ पे 8MP का अल्ट्रा वाइड एंड 2MP का मैक्रो देखने को मिलता है। वहीं पे यहाँ पे हम लोग को फ्रंट में 50MP का ऑटो फोकस कैमरा भी देखने को मिलता है। इसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा तगड़ा कैमरा स्मार्टफोन है एंड ओवरऑल पैकेज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आपको कैमरा स्मार्टफोन चाहिए तो इसकी तरफ ज़रूर देखिए। जी हाँ, एंड यहाँ पे इसकी जो प्राइस आती है वो आती है 37,999 8GB 128GB वेरियंट के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन, आप चाहे चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस, अब यहाँ पे हम लोग के पास इस लिस्ट में उस स्मार्टफोन ब्रांड का स्मार्टफोन आता है जिसके लोग एक ही चीज़ कहते रहते हैं, एप्पल से अच्छा है जी, एप्पल से अच्छा है जी। जी हाँ, एंड मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ वन प्लस की तरफ से आने वाले वन प्लस नॉट 3 के बारे में। इसमें हम लोगों को 6.7 इंचेस की 1.5K 120Hz वाली एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोगों को MediaTek Dimensity 9000 प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि काफ़ी नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस देगा। वहीं पर यहाँ पे हम लोग को 5000mAh की बैटरी विद 80W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोगों को OxygenOS देखने को मिलता है जहाँ पे हम लोगों को 3 साल के मेजर एंड 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स भी देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पे हम लोग को 50MP का OIS ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल पैकेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। हालांकि कैमरास का बहुत ज़्यादा अल्टीमेट लेवल का नहीं है लेकिन ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे। डिस्प्ले तो काफ़ी ज़्यादा कड़क है एंड इसकी जो प्राइस आती है वो आती है 8GB 128GB के लिए सिर्फ 34,000 रुपीज़। जी हाँ, तो ये काफ़ी अच्छा पैकेज है, आप इसको ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस, अब यहाँ पे हम लोग के पास जो 2nd नंबर का स्मार्टफोन आता है वो हम लोग के 3rd नंबर का ही बड़ा भाई है। जी हाँ, एंड मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ OnePlus 11R के बारे में। जी हाँ, इसमें हम लोग
6.7 इंचेस की FHD+ 120 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग को स्नैपड्रैगन 8+ जेन 1 का प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है। वहीं पे यहाँ पे हम लोगों को 5000 mAh की बैटरी विद 100 वॉट की चार्जिंग देखने को मिलती है एंड फ्रंट टच ओएस देखने को मिलता है जहाँ पे हम लोग को 4 साल के मेजर अपडेट्स एंड 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे एंड साथ ही साथ यहाँ पे हम लोगों को 50 MP का OIS ट्रिपल कैमरा सेटअप सेम देखने को मिलता है एंड इसका जो ओवरऑल पैकेज वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड नंबर 2 पे रखने की एक ही वजह है कि यहाँ पे इसमें अपडेट्स ज़्यादा अच्छे हैं, परफॉर्मेंस भी ज़्यादा अच्छा है एंड इसका कैमरा जो है वो 3rd से तो अच्छा ही है। जी हाँ, ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छा पैकेज है ये एंड इसकी जो प्राइस आती है वो आती है 8GB 128GB वेरियंट के लिए 39999, तो इसको ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं अगर आप एक OnePlus फैन है तो। तो दोस्तों अब यहाँ पे जो हम लोग का नंबर 1 का स्मार्टफोन आता है वो काफ़ी ज़्यादा अल्टीमेट लेवल का स्मार्टफोन है एंड मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ iQOO Neo 7 Pro के बारे में। जी हाँ, इसमें 6.7 इंचेस की FHD+ 120 हर्ट्ज AMOLED 10 बिट पैनल वाली डिस्प्ले देखने मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग को स्नैपड्रैगन का 8+ जेन 1 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। 5000 mAh की बैटरी विद 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है एंड यहाँ पे हम लोग को फ्रंट टच ओएस देखने को मिलता है विद 2 ईयर्स मेजर अपडेट एंड 3 ईयर्स सिक्योरिटी अपडेट। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जाता है 50 MP का OIS ट्रिपल कैमरा सेटअप एंड ये कैमरास काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब 11R के टक्कर के कैमरा है, तो एक गेमिंग फोन में इतने अच्छे कैमरा होना भी काफ़ी अच्छी बात है एंड ओवरऑल पैकेज देखा जाए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन ये माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो प्राइस आती है वो आती 8GB 128GB के लिए सिर्फ 34999, तो आप समझ सकते हैं इतने कम में इतना अच्छा गेमिंग फोन मिल रहा है, तो इसको तो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। सो गाइस, ये तो थी मेरी वीडियो की टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन्स 40,000 बजट के अंदर आपके लिए कौन कौन से अच्छे रहेंगे, जिसमें मैंने काफ़ी तरह के स्मार्टफोन्स आपके लिए कवर किए, कैमरा वाले, बेस्ट OS वाले एंड यहाँ तक कि आपके लिए बेस्ट गेमिंग फोन्स भी ले आया हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड हाँ, कमेंट में बताना मत भूलिएगा कि आपको इनमें से कौन सा स्मार्टफोन पसंद है, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा जिनको 40,000 के अंदर एक अच्छा सा स्मार्टफोन चाहिए। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए एंड आपको ऐसी और मज़ेदार टेक वीडियोस चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर जरूर कर दीजिएगा ताकि जब भी रिसेंट में ऐसी वीडियोस लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। साथ ही साथ सोशल मीडिया हैंडल मुझे फॉलो कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे सेफ, कीप एक्सप्लोरिंग। जय हिंद।